बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इज़ी। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार, बहुत आसान सी कोकोनट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें एक कैन चाहिए होगा कोकोनट मिल्क का, कॉर्न स्टार्च की ज़रूरत होगी, शुगर चाहिए होगा, मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, और पानी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, कोई बर्तन ले लें, उसमें हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। हीट हम मीडियम रखेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें अब हम एक बॉईल आने देंगे। जब तक मिल्क में बॉयल आता है, तब तक हम कॉर्न स्टार्च को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें कोई गुठली ना हो। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। कोकोनट मिल्क में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसकी अब हम हीट जो है वो मीडियम से लो करेंगे और इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे। ये देखें, कॉर्न स्टार्च डालने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो जब ये इस तरह तैयार हो जाए, पुडिंग की तरह हो जाए, तो समझेंगे हमारा कस्टर्ड जो है रेडी है। तो इसे अब हम किसी बर्तन में डाल लेते हैं। इसे अब हम रूम टेम्परेचर पे आने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद मैं फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए, हमारा डिज़र्ट जो है वो सेट हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कोकोनट डेजर्ट रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कोकोनट डेजर्ट रेडी हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। मैं बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।